पूर्व मंत्री मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर से धारा 370 एवं 35 ए को हटाकर साहसिक कार्य किया है क्योंकि कश्मीर भारत देश का एक अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व किसी भी प्रधानमंत्री में ऐसा जिगरा नहीं दिखाया है। पूर्व मंत्री मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर से धारा 370 एवं 35 ए को हटाकर सहायक कार्य किया है क्योंकि कश्मीर भारत देश का एक अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व किसी भी प्रधानमंत्री ने ऐसा जिगरा नहीं दिखाया। मनकोटिया ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने साहसिक कदम उठाते हुए कश्मीर से धारा 370 को हटाया है, वैसे ही चीन के दबाव को दरकिनार करते हुए महात्मा गांधी की 150वीं जन्म वर्षगांठ पर तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा को अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाना चाहिए। ये शब्द मनकोटिया ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहे। उनका दबाव है, डर तो मैं क्या कहूंगा, पर एक जंग तो हो चुकी है चाइना के साथ और अब हमारी क्षमताएं भी बढ़ गई हैं भारत की। पर मैं समझता हूं कि जहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इतनी हिम्मत दिखाई, हौसला और दम दिखाया कि इतने वर्षों के बाद, 70 वर्षों के बाद जो ये एक धारा 370 जम्मू कश्मीर पर लागू की थी लद्दाख के, उसको उन्होंने हटा दिया। मैं समझता हूँ आज दिन तक किसी प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं पड़ी थी जो आपने कर दिखाया है और उचित किया है आपने। ये हमारा हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है हमारा, और आपने इस एब्रोगेट करके 370 को एब्रोगेट करके दुनिया को दिखा दिया कि हमारा हक कोई नहीं छीन सकता है। इसी तरह के ऊपर मैं कहता हूं कि अगर चाइना बार बार पाकिस्तान को ज्यादा महत्व देते हुए कश्मीर का मुद्दा भी, इन्होंने 2-3 दिन पहले कॉन्फ्रेंस हुई चेन्नई में, उसमें भी कहा कि ये यूनाइटेड नेशंस में जाना चाहिए मुद्दा, वहां इसका हल निकलना चाहिए, ये गलत है, यूनाइटेड नेशंस का मुद्दा है ही नहीं। तो अगर वो हमें आंखें दिखाते हैं तो वक्त आ गया है कि जैसे आपने कश्मीर में किया, जम्मू कश्मीर लद्दाख में किया, करिएगा आप हमारे दलाई लामा, धर्मगुरु दलाई लामा को सम्मानित कीजिएगा, बता दीजिएगा दुनिया को जो हमने किया है, सही कदम उठाया है, क्योंकि वो इसके हकदार भी हैं, इनसे ज्यादा कोई हकदार हो भी नहीं सकता है। और मैं समझता हूं कि ये हिमाचल प्रदेश जो देवभूमि है, ऐसी ऐसी जो शख्सियतें हैं, जो ऋषि मुनि वगैरह पहले से यहाँ बसते हैं, ये भी एक ऋषि मुनि के तौर के ऊपर यहाँ आके इन्होंने प्रवास किया है और हमारे हिमाचल प्रदेश का नाम बढ़ेगा और भारतवर्ष का नाम बढ़ेगा अगर भारत सरकार और प्रधानमंत्री इस चीज के ऊपर सही निर्णय लेके इनको उस वक्त 7 और 8 तारीख को सम्मानित करें या आमंत्रित करके और घोषणा करें। और मेरे ख्याल कार्यक्रम तो दिल्ली में ही होता है, पर घोषणा पहले करें और सम्मानित करें। इस कॉन्फ्रेंस से हमको पीछे ना रखें, ये कॉन्फ्रेंस अधूरी रहेगी उनके बगैर, क्योंकि जैसे मैंने कहा आपकी तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस है, लेकिन ग्लोबली सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो धर्मगुरु दलाई लामा की धर्मशाला में हुई है ग्लोबली। थैंक यू, धन्यवाद। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में कहा कि आप 7-8 नवंबर को धर्मशाला में होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का उद्घाटन करने आ रहे हैं, इस दौरान दलाई लामा को भी आमंत्रित करना चाहिए और उन्हें गांधी के संदेश विचारधारा से आमजन को जागरूक करने के एव्ज में अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाना चाहिए। मनकोटिया ने इस बात की जानकारी एक पत्रकार वार्ता में दी। 7 और 8 नवम्बर को हिमाचल सरकार ने यहाँ ग्लोबल इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस जो रखी है नवंबर के महीने में, तो उसके लिए आपने प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया है उद्घाटन समारोह में और यहाँ के देश के गृह मंत्री महोदय श्री अमित शाह जी को आमंत्रित किया है जो इसका समापन सम्मेलन होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये धर्मशाला को महत्व देने की बात है कि आपने देश विदेश के बड़े बड़े उद्योगपति, कॉरपोरेट सेक्टर के लोग और विदेशों के राजदूतों को आमंत्रित किया है, तो बड़ा यहाँ एक सम्मेलन होगा। पर मैं समझता हूँ कि जो सरकारें यहाँ कई वर्षों से जिस जिसकी पार्टी की सरकार बनी, जो दर्जा आप धर्मशाला को नहीं दे पाए, वो दर्जा जब 1960 में महामहिम धर्मगुरु दलाई लामा ने धर्मशाला को अपने प्रवास के लिए चुना, तो वो दर्जा वो दलाई लामा की वजह से बन चुका है धर्मशाला का। आज ये इंटरनेशनल एक केंद्र जो है, अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बन चुका है उनके दर्शनों के लिए, उनके विचार सुनने के लिए, उनकी फिलॉसफी जो है, दर्शन शास्त्र जो है वो सुनने के लिए। और मैं इसलिए
समझता हूं कि इस मौके पे इस चीज को मान्यता दे भारत सरकार और हिमाचल सरकार। ये अधूरा रहेगा ये कार्यक्रम जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस है अगर इस कार्यक्रम में आप धर्मगुरु दलाई लामा को सम्मानित ना करें। और मैं समझता हूं कि ये जो पत्र मैंने लिखा है जिसकी प्रतिलिपियां कॉपीज मैंने आपको दिखाई हैं बांटी हैं ये प्रधानमंत्री महोदय को मैंने पत्र लिखा है और कॉपी मैंने श्री अमित शाह जी को गृह मंत्री को और यहाँ के हिमाचल के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को भेजी है कि देखिएगा ये जो आप नहीं कर सके वो धर्मगुरु दलाई लामा ने किया और जो आप प्रधानमंत्री जगह जगह यहाँ तक कि अमेरिका में जब ह्यूस्टन में उनकी बहुत बड़ी एक रैली हुई है जिसको सारी दुनिया मानती है शायद सबसे बड़ी रैली आज दिन तक वहां हुई है अगर आप उसमें कहते हैं कि ये हमारे पूज्य महात्मा गांधी जी की 150वीं जन्म वर्षगांठ है तो मैं समझता हूं कि महात्मा गांधी का जो एक मैसेज है जो संदेश है दुनिया भर में अगर किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति विशेष ने फैलाया है तो श्री हमारे धर्मगुरु दलाई लामा है। आज वो शांति के दूत विश्व शांति के दूत माने जा रहे हैं और संगति है उनकी सारी दुनिया में हार्मनी हो पीस हो। तो इस वजह से मैं समझता हूं कि आज से 1995 में जो भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार का आयोजन जो किया है आज से उस वक्त से लेकर आज तक शायद 17 ऐसी महान व्यक्तियों को इस पुरस्कार से उन्होंने सम्मानित किया है। पर मैं समझता हूं कि अगर आपने नेल्सन मंडेला जैसी एक हैसियत को यह पुरस्कार दिया जो अफ्रीका के जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी तो उन्होंने खुद माना है नेल्सन मंडेला और अमेरिका के जो हुई मार्टिन लूथर किंग जूनियर कि हमने प्रेरणा ही अपने संघर्ष के लिए महात्मा गांधी से ली। तो क्या आज उनसे ज्यादा उचित कोई व्यक्ति है जिसको हमारी भारत सरकार ये अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार न दे। मेरा ये प्रस्ताव है और मेरा ये मानना है कि उनसे ज्यादा जो है कोई डिजर्विंग कोई उनसे ज्यादा व्यक्ति पूरे संसार में नहीं है और कम से कम हमारे प्रधानमंत्री को हमारी सरकार को इस चीज को स्वीकृति देते हुए मानना चाहिए कि इस वर्ष जब वो यहाँ नवंबर में आए तो उस दौरान इस पुरस्कार की घोषणा करके आए इस वर्ष का पुरस्कार शांति पुरस्कार जो है गांधी शांति पुरस्कार वो हम श्री धर्मगुरु दलाई लामा को देने वाले हैं।